अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और गवर्नमेंट की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पे बाकायदगी से अमल कर रहे होंगे। टॉप 10 सीरीज़ की एपिसोड 2 में आपका वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया पे एक बीमारी की शक्ल में बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया और लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, फिज़िकली हो, और अब साइकोलॉजिकली भी लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। लोगों की आम रूटीन की मसरूफियात रुकने की वजह से लोगों पे दो तरह के असर हो रहे हैं। एक, वो हर वक्त न्यूज़ और सोशल मीडिया पे इसी के बारे में सुन सुन के स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, और दूसरा, कुछ काम ना होने की वजह से घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 10 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपका क्वारंटीन टाइम बोरियत की जगह बिजी और फन में गुजरेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, प्लांटिंग। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि इस बीमारी से नेचर में बड़ा फर्क आया है। गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज और पोल्यूशन रुकने की वजह से ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज हीलिंग इटसेल्फ। और अगर आप इस टाइम गार्डनिंग करते हैं तो आपको एक न्यू हॉबी भी मिल जाएगी जो आपके दिन को थोड़ा मसरूफ कर देगी और आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। और अगर हर बंदा ये हॉबी अपना लेता है तो शहर की आबो हवा बहुत ज्यादा ताज़ा हो जाएगी। दोस्तों, प्लांटेशन बहुत ईजी काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लांट्स एक लॉन्ग लाइफ इन्वेस्टमेंट होती है और आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो आप इंटरनेट पर मौजूद ढेर सारी वेबसाइट से निकाल सकते हैं, जिनमें से treesaregood.org, environment.sa, gardeners, BHG जैसी वेबसाइट्स बेस्ट हैं। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन से मदद लेना चाहते हैं प्लांटेशन के बारे में तो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ऐप्स हैं, जैसे कि सीड्स, प्लांट फॉर द प्लैनेट, लकी ट्री, लीफ स्नैप। नंबर 9 है, लर्न अ न्यू स्किल। जॉब्स और घर के कामों की वजह से हम में से बहुत से लोगों को कभी टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम अपने स्किल सेट्स को बढ़ाएं, पर ये टाइम बेस्ट है कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग चीजें सीखने का, कुछ नए स्किल्स डेवलप करने का, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स पे जो कोर्सेज पेड हुआ करते थे अब क्वारंटीन की वजह से वो कोर्सेज फ्री हो गए हैं। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोडिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, तो आप इंटरनेट पे ढेर सारे फ्री मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं। उन साइट्स में एकेडमिक अर्थ, EDX, कोर्सेरा, खान एकेडमी मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। सीखने के लिए हमारे पास बहुत सी फन चीजें हैं, जैसे कि जगलिंग, स्पीड रीडिंग, डांसिंग। अगर आप ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि गिटार या कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उनके लिए आप यूजिशियन, उबर कोड और कोड जैसी एप्स से भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर 8 है, वर्क फ्रॉम होम मेक मनी। कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं जो ऑफिस से होम शिफ्ट हो गई हैं तो लोग काम में मसरूफ रहते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास जॉब हो। आप ऑनलाइन जॉब मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ स्किल्स, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, तो बेस्ट है। अगर ऐसी स्किल्स नहीं है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा एंट्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग और दीगर बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप बिना स्किल के कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इन जॉब्स के लिए आपको अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आर, रिमोट टास्क्स, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा और फिर आप घर बैठे आराम से कमा सकते हैं, या आप नंबर 9 से सजेशन स्किल्स सीख सकते हैं और फिर यू टू कैन वर्क फ्रॉम होम। अगर आपके पास पीसी भी नहीं है तो भी फिगर की कोई बात नहीं है, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे कि फोप, जिसमें आप अपनी फोटोग्राफ्स, टोल्यूमा जिसमें आप सर्वे से, और यूजर फील जिसमें आप अपने फीडबैक से भी एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। नंबर 7 इज, कुक समथिंग डिलीशियस। इस फ्री टाइम को ऐसे भी प्रोडक्टिवली यूज किया जा सकता है कि आप कुकिंग या बेकिंग सीख लें, क्योंकि कुकिंग सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक हॉबी होने की वजह से भी लोग करते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्किल मौजूद है तो इसे इम्प्रूव कर लें। इसके लिए मैं आपको कुछ बेस्ट चैनल्स रिकमेंड कर देता हूँ, जैसे कि फूड फ्यूजन, किचन विद आमना, ब्रोज मीट द वर्ल्ड और स्नूपर शेफ। अगर मोबाइल ऐप से आप सीखना चाहते हैं तो टेस्टी, यमली बेस्ट ऐप्स हैं। कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जो आपको अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स की बेस पे रेसिपी सजेस्ट करती हैं, जैसे कि एपिक्यूरियस और सुपर कुक रेसिपी बाय इंग्रेडिएंट्स। नंबर 6 है, इट्स मूवी टाइम। टाइम किल करने का एक और बेहतरीन तरीका है एंटरटेनमेंट, चाहे वो मूवीज से हो, टीवी शोप से हो, वेब सीरीज या पॉडकास्ट से। हम सबको फ्रेंड्स की तरफ से मूवी सजेशन मिलती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई भी चीज सजेस्ट करने की जरूरत है, फिर भी आप नेटफ्लिक्स,
Hulu, Prime Video की हजारों सीरीज और मूवीज में से अपनी पसंद की फ्रेंचाइज को सर्च करें, IMDb पे उसकी रेटिंग देखें और प्लॉट पढ़ें और शुरू हो जाएं। अल्दो इनमें से कुछ साइट्स फ्री हो गई हैं, वरना फिर भी एक मंथ फ्री ट्रायल पे आपका एक महीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। नंबर 5 इज सॉर्ट योर मेमोरीज। ये एक बहुत ही सुपर फन एक्टिविटी है कि आप अपने फोटो मेमोरीज को क्रिएट और ऑर्गेनाइज करें। दोस्तों ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके फोन्स में ढेर सारी अनऑर्गेनाइज लवली मेमोरीज ना रहती हों। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस और साइट्स बताता हूँ जिनको यूज करके आप अपनी स्पेशल मेमोरीज को प्रॉपरली एल्बम में अरेंज करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और एक बार फिर उन मोमेंट्स के ऊपर मुस्कुरा सकते हैं। ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली एप्स के नाम है फोटोबॉक्स, मिक्स बॉक्स। नंबर 4 इज गेट इन शेप। वैसे तो अब जिम्स भी क्लोज हैं, पर अगर हम बात करें उन लोगों की जो जिम्स के खुले होने पर भी अपनी जॉब्स या पढ़ाई के टफ रूटीन की वजह से अपनी फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो अब एक्सरसाइज से बचने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपने अपना वेट गेन, वेट लॉस या कोई भी फिटनेस रूटीन प्लान की थी तो ये बेस्ट टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम फिटनेस दोस्तों, एक्सरसाइज आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और इस वक्त स्ट्रांग इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। रोज के चंद मिनट की एक्सरसाइज आपकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव डालती है और फिर चंद दिनों में हम इस एक्सरसाइज रूटीन के आदि भी हो जाते हैं। और इस चीज के लिए आई विल हाईली रिकमेंड यू दीज ऐप, 7 for 7 minute वर्कआउट, पेयर फॉर पर्सनल फिटनेस, या फिर यूट्यूब पे आपको ढेर सारे बेहतरीन चैनल्स मिल जाएंगे जैसे कि फिटनेस ब्लेंडर, एथलियन एक्स, गेट फिट एथलेटिक और जो द न्यूट्रिशनिस्ट। और अगर आप योगा प्रेफर करते हैं तो 5 मिनट योगा, योगा स्टूडियो जैसी एप्स आपके लिए बेस्ट हैं। नंबर 3 इज मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन। दोस्तों सफाई निस्फ ईमान है। एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि आपको कई बीमारियों से बचाता है। अगर आप अपने घर और रूम को साफ और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकालें तो इसमें ना सिर्फ आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा बल्कि आपकी अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। और मैं सिर्फ सफाई की बात नहीं कर रहा, आपके घर में जिन चीजों को फिक्सिंग की जरूरत है आप उन्हें फिक्स करें, रूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, या शायद अपने रूम और घर को रीडेकोरेट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 5 मिनट क्राफ्ट्स, DIY एंड क्राफ्ट्स को जरूर विजिट करें। नंबर 2 इज रीड एंड राइट। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और यही किताबें इंसान की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। और मेरी नजर में अपना वक्त बुक्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ही फायदे का सौदा है। और पढ़ने को सिर्फ बुक्स नहीं, इंटरनेट पे ढेर सारा मटेरियल जैसे कि आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, नॉवेल्स पढ़े हैं। ये चीज सिर्फ ग्रोन अप्स के लिए नहीं है बल्कि बच्चों के लिए भी है। इंटरनेट पे मौजूद ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स से वो अपने टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। इस चीज के लिए जितनी भी रिकमेंडेशन हो कम है। चंद साइट्स जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं वो हैं LibriVox ऑडियो बुक्स के लिए, Reddit फॉर टेक्स्ट बुक्स, archive.org, मैनी बुक्स, ओपन लाइब्रेरी एंड द लिस्ट गोज ऑन। बाकी की साइट्स के लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। और नंबर 1 पे हाईली रिकमेंडेड है फैमिली टाइम। दोस्तों इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सरमाया उसकी फैमिली होती है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडीज, जॉब्स की वजह से आउट ऑफ सिटी रहते हैं और अपने पेरेंट्स और भाई बहन को ठीक से टाइम नहीं दे पाते। अब आपको टाइम मिला है तो आपको अपने पेरेंट्स की ये शिकायत भी दूर करनी चाहिए और अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा टीज और उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, गेम खेलने चाहिए जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, लूडो, स्क्रैबल। और हाँ, डोंट फॉरगेट द चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे एंटरटेनमेंट बॉक्स होते हैं ना, वो खुद बोर होते ना दूसरों को बोर होने देते, वो खुद तो बिजी रहते हैं साथ में आपको भी बिजी कर लेते हैं। तो अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ भी गुजारेंगे फिर आप रियलाइज करेंगे कि ये टाइम बेस्ट था। दोस्तों अगर ये परेशानी, आफत, बीमारी आज से 15 या 20 साल पहले आई होती तो हम में से किसी को भी बोर होने की जरूरत ही ना पड़ती। तो क्या हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आज वही माहौल है जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था, और अपना टाइम घर बैठे आराम से प्रोडक्टिवली इंजॉयमेंट के साथ गुजार दें और ये एहतियात के साथ दुआ भी करें कि ये बीमारी जल्दी चली जाए। आज ही हमारी टॉप 10 लिस्ट यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से एक भी चीज आप अडॉप्ट करेंगे और आपका क्वारंटीन टाइम अच्छा गुजरेगा। इस वीडियो में जितनी भी रिकमेंड की गई है सबके लिंक्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन साइट्स और एप्स को वहां से एक्सेस कर सकते हैं और अपना क्वारंटीन टाइम और भी बेहतर तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।